दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पबजी मोबाइल जो है फिलहाल इंडिया में बैन है, और अभी हाल ही में जो है पबजी मोबाइल ने जो है इंडिया में भी अपने सर्वर को अभी बंद कर दिया था। और उसके बाद जो है पबजी ने फिर अनाउंसमेंट की थी कि वो दिवाली के एंड तक जो है पबजी मोबाइल इंडिया को जो है लॉन्च कर देंगे, लेकिन जो है ऐसा नहीं हो पाया था, वो फिर डिले हो गया। उस पर अभी भी काम चालू है और उस गेम का जो है हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सो देखते हैं वो कब तक आता है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पबजी बैन होने के बाद और सर्वर्स बंद होने के बाद जो है अभी भी जो है पबजी मोबाइल जो है कुछ लोगों के मोबाइल फोन में चल रहा है। इनफैक्ट जो यहाँ पर मेरे पड़ोसी है, कुछ दोस्त जो है वो भी अभी तक इस गेम को खेल रहे हैं। तो गाइस, तो आज इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वाकई में जो है इस तरह से जो है थर्ड पार्टी वे में जो है इसको डाउनलोड करके और जो है VPN लगा करके जो हम खेल रहे हैं, क्या वो खेलना हमारे लिए सेफ है, क्या ऐसा करना वाकई में सेफ है। अभी तक अभी हाल फिलहाल में जो है कुछ चीज़ें सुनने में ये आई थी कि पबजी जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है उसके APK लिंक शो हो रहे थे पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर में आप मेरे साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको इन सब टॉपिक के ऊपर जो है एक रेफरेंस देने वाला हूँ, इन सब टॉपिक के ऊपर जो आप क्लियर करने वाला हूँ कि क्या वाकई में इस तरह से पबजी मोबाइल को वेबसाइट से डाउनलोड करके APK डाउनलोड करके फिर से मोबाइल के अंदर खेलना सेफ है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है श्याम, आप देख रहे हैं टेक टेक्निकल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे जैसे पबजी अनबैन होने की बात चलती जा रही है, वैसे ही जो है लोगों का पबजी के ऊपर क्रेज और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वो उसका और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी चक्कर में जो है वो पबजी को जो है वेबसाइटों पर जाकर के ढूंढने लगते हैं, गूगल पर जाकर के सर्च करने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है इसी की न्यूज़ एक अफवाह फैला रखी थी कि पबजी मोबाइल की जो जो लिंक है जो मोबाइल इंडिया के लिए जो बनाया जा रहा था पबजी, वो वेबसाइट पर जो शो होने लगा है उसका APK लिंक शो होने लगा है। लेकिन दोस्तों सामने बात ये आएगी, ये जो APK अभी फिलहाल जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो डाउनलोड कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी जो है वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर रहे हैं, और ऐसा शो हो रहा है कि ये जो लिंक शो हो रहे हैं पबजी APK के लिए वो फेक लिंक्स हैं, जिनकी मदद से जो है आपके मोबाइल को खतरा हो सकता है, आपके डेटा को खतरा हो सकता है, अगर आप जो है इस थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के APK डाउनलोड करते हो, अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, फिर उसको गेम को खेलते हो, हालांकि VPN लगा कर या फिर अभी भी जो है VPN लगा करके या फिर बिना VPN के भी इसको खेला जा रहा है अभी भी और ये चल रहा है। सो ये जो थर्ड पार्टीज़ जो है वेबसाइट लिंक क्रिएट कर रही है पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से, दरअसल ये एक तरह से फेक लिंक्स हैं। यहाँ पर आपको जो है पबजी का जो APK है वो तो वैसा ही शो होता है, लेकिन वहाँ पर जो पहले लोगो बना आता था, अब वहाँ पर जो है वो APK पर जो है पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से वो शो हो रहा है, जिससे लोगों को ये लग रहा है कि जो पबजी मोबाइल इंडिया है वो वाकई में रिलीज़ हो गया है वेबसाइट पर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, पबजी मोबाइल जो अभी तक उस पर काम चल रहा है, अभी भी जो है डेवलपर उस पर काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो अभी तक वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है। हालांकि वेबसाइट पर भी जो अभी तक कोई लिंक सामने नहीं आया है, ऐसा पबजी का भी कहना है कि अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जो पबजी इंडिया है वो ऑफिशियली तरीके से जो है इंडिया में लॉन्च हो गया है। अगर आप जो है आप भी जो है पबजी मोबाइल को खेलने के बारे में सोच रहे हो या फिर खेल रहे हो अभी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके, तो प्लीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी के भी जो है इसे डिलीट कर दें अपने मोबाइल से अभी के भी, और जो इसे डाउनलोड करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि इससे जो आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन को, क्योंकि जब आप इसको किसी वेबसाइट के थ्रू इंस्टॉल करते हो तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपके मोबाइल का जो डेटा है वो सर्वर पर अपलोड हो जाए, ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है लीक हो जाए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। और जाहिर सी बात है कि भाई आप भी नहीं चाहोगे कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे पर्सन के पास तक पहुँचे। दोस्तों होप करता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी बात जो है समझ में आ गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। सो बस दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो और टेक अपडेट से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। दोस्तों जैसे ही पबजी आएगा आप लोगों को ऑफिशियली अनाउंसमेंट मिल जाएगी और सभी को पता चल जाएगा जब पबजी ऑफिशियली इंडिया में रिलीज होगा। सो तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, देखते रहे द टेक टेक्निकल्स।